नमकीन सेवैया है। नमकीन सेवैया, अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, ये आपका स्प्राउट्स है। स्प्राउट्स इसमें काला चना, सफ़ेद चना, मटर, स्वीट कॉर्न, गेहूँ, मूंग की दाल, अच्छा। ये सब मिला रहता है। ये पास्ता है, अमूल का चीज़ और क्रीम और दूध का इस्तेमाल होता है इसमें। ये आपका उपमा है, टोटल वेज, मतलब इसमें वेज की मात्रा ज़्यादा है। वेज तो सभी है लेकिन इसमें वेज की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मशरूम, ब्रोकली और आपका सारे वेजेस जो होते हैं, सारी चीज़ें। ये साबूदाना खिचड़ी, ये जो है व्रत के लिए भी रखते हैं, देसी घी बनाते हैं इसको। और ये वेज दम बिरयानी, हाँ ख़त्म हो गई है, दोबारा बन के आ रही है। अच्छा, ये हमारी सबसे ज़्यादा चलने वाली जो पोहे के बाद चलती है, इडली मसाला। इडली मसाला, ये इडली मसाला है हमारा जो कि सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद आप देख रहे हो वो भी इडली मसाला। जलेबी, ये आपका जलेबी है, देसी घी में बनाते हैं। ये ढोकला है, बिल्कुल स्पंजी और अच्छा हेल्दी फूड रहता है। ठीक है, और उसके बाद आप ये पोहा हमारा देख ही रहे। मसाला कौन सा होता है? पोहा मसाला होता है। पोहा मसाला से ये अपना रतलाने से हुए अपना पर क्या इसमें कुछ वो पैकिंग के लिए रहता है। प्याज, लेमन, क्या बात है। हर चीज़ का हमारे यहाँ नाप है। कई जगह होता है ना, जैसे एक अंदाज में दे दिया तो वो कितना भी कम जा रहा है, कितना भी ज़्यादा जा रहा है, वो नहीं है। हमारा सिलेक्टेड नाप रहते हैं। 250 ग्राम वजन रहता है सारी चीज़ों का। जल्दी बोल। ढोकला का 300 से 350, ताकि कम ज़्यादा का कोई हिसाब रहे नहीं। हर चीज़ तुल के जाती है। एक ढोकला मूँगफली डाल देता तो वैसे जाके हमारा पनवाड़ी पोहा, कार्तिक आर्यन ने खाया था पोहा मूवी में रुका छुपी के अंदर कम कर दें। तो कार्तिक आर्यन ने खाया था ये पोहा मूवी के अंदर रुका छुपी के अंदर, हम भी खाते हैं। और टाइम टेस्ट क्या है इसका? अच्छा टेस्ट है। अभी यहाँ भी आओ और ट्राई करो, चैनल को फॉलो करो हमारे। सुबह 7 से 3:30 और एड्रेस करेगा इंद्रगंज चौराया बहु वाट गली भैया का आउटलेट है। यहाँ पे आओ और ट्राई करो पोहा।